बार फिर से हमने अपने आप को धक्का दिया है, अब सहारा बनना आपका काम है। अब आपको देखिए यहाँ पे कई पायों का निर्माण हो चुका है, जो कन्हौली बाजार है, पैनाल है, वहाँ पर देख सकते कई पायों का निर्माण हो चुका है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी तबीयत वगैरह ठीक है ना, क्या हाल बना लिए हैं, तो बस बन गया है, बना नहीं लिए हैं, और तबीयत बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दानापुर बेटा कोइलवर एलिवेटेड प्रोजेक्ट का ये आपका पूरा डिटेल है जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है। यहाँ एक बार खुद को एक बार फिर से मैं धक्का दे रहा हूँ ताकि जो पीछे हुआ है वो ना हो सके। आप समझ गए होंगे जो रेगुलर व्यूअर होंगे, यहाँ पर एकदम इसी सीध में जगदीशपुर जगह, और यहाँ पर देख सकते कई मकान जो है भी रास्ते में आ रहे थे। बिहटा में हूँ दोस्तों, तो और आपको अपडेट दे जा रहा हूँ बिहटा दानापुर सगुना मोड़ तक बनने वाले एलिवेटेड रोड का। आइए चल करके देखते हैं क्या काम हुआ है, कितना प्रोग्रेस है, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बिहटा चौक है, जहाँ से बाई और बिहटा चला जाता है, सामने आरा चला जाता है, और इस तरफ मनेर चला जाता है, जो कभी मेन रोड हुआ करता था पटना जाने के लिए, जो कंटेनमेंट होकर के जाता था, वो भूतकाल की बात है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब ये रास्ता जो है पटना जाता है, और ये लगभग आपको सगुना मोड़ 20 किलोमीटर की दूरी दानापुर मान लीजिए, या फिर सगुना मोड़ 20 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ पर जो एलिवेटेड रोड का काम है, यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। सामने देख सकते निरीक्षण भवन जाने का रास्ता डायरेक्शन है, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, यहाँ कुछ मकान है, यहाँ पर जो है वो सामने का हुआ है और टूट भी रहा है सामने, और यहाँ से हम चलेंगे अभी दानापुर तक। सगुना मोड़ वाला तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी वहाँ चलेंगे तो आपका आगे बताएंगे। चलिए और चल कर देखते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। ये रोड के किनारे रखी बोरियाँ इस बात का गवाह है कि इधर काम जो है एलिवेटेड रोड का शुरू हो चुका है। आगे और भी कई गवाही मिलेगी आपको, जो रोड का काम हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको हम बता देते हैं कि कभी ये जो मार्ग हुआ करता था आरा बेटा पटना का, ये पूरे दिन का हुआ करता था, लेकिन समय ने करवट लिया, उसका परिणाम ये हुआ कि जो सड़कें हैं वो अच्छी बनी, और लोग अब आरा हो या बेटा हो या फिर कहीं और हो, मनेर हो, वहाँ आने जाने में संकोच नहीं करते हैं, और एक दिन में कई बार अप एंड डाउन होते हैं। और जब ये बन जाएगा बिहटा का जो ये एलिवेटेड रोड बन जाएगा, तो आपको बता देते हैं कि पटना और नज़दीक आ जाएगा। सामने आप एयरफोर्स का बाउंड्री वाला देख सकते हैं बॉल है, और ये कभी ये वीराना हुआ करता था ये जगह, अब तो आबादी है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन ये वीराना हुआ करता था, और यहाँ पर यह सोचता था निकली है कि ये सब चीज़ रहती है एकांत में ही होती है। यहीं पे सिविल एविएशन के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, जो इधर नहीं है, वो उसका अपडेट हम अलग देंगे। फिलहाल ये देखते हैं एसी बस कितने शान से बिहटा से लोगों को लेकर के जा रहा है पटना, और समय लगता है, लेकिन उतना समय नहीं लगता जितना पहले लगता था, कई राउंड ये मार लेते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ करके आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना कई जगह पे आपको पायों का निर्माण हो चुका है, कई जगह पे बहुत कुछ का निर्माण हो चुका है। जब आप जब बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये देखते हैं सड़कें चौड़ी है, इतनी सड़कें चौड़ी नहीं थी पहले, सड़कें धीरे धीरे चौड़ी हुई है, और अब ऐसा हो गया है कि देखिए इधर जो मकान जितना इनके अलाइनमेंट पर चाहिए, तो वो कई मकान जो है इस बार भेंट हुए हैं। ये देखिए एयरफोर्स है, और कई मकान इधर भेंट हुए हैं, ये देख सकते हैं, और आगे भी दिखाएंगे आपको। ये जो बाउंड्री है इसके बाद जब हम चलेंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ पर क्या कितना हुआ है। बिहटा में कई प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट तो आ ही रहा है, एयरपोर्ट के आने के साथ साथ बिहटा में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस बिहटा को और पटना को मतलब कि आगे ले जाने का काम किया। बिहटा में जैसे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, हर तरह का यहाँ पर आपको लग गया है, और लोग यहाँ पे आना जाना पटना से यहाँ करते हैं, और आसान हो, लोगों का समय कम लगे, उसके लिए एलिवेटेड रोड का 2000 करोड़ में। और आपको बताते हैं कि ये जो एलिवेटेड रोड है ये अभी तक का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। एक चीज़ और बता देते हैं कि जिससे मतलब कि ध्वस्त तो कई मकानें हुई हैं,
लेकिन जिस अलाइनमेंट जिस सीध में ये सड़क जा रहा है जा रही है, इस सीध में उस एलिवेटेड रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी है वहाँ पे वो दाहिना कट करके आगे आकर के बी शेप में, सी शेप में, यू शेप में बन करके वो इस रोड में कनेक्ट हुआ है, जो आपको आगे दिखेगा। एलिवेटेड रोड बन जाने से इस तरह का जो तीखा मोड़ है उससे बचत होगा और लोग आराम से जा सकेंगे एलिवेटेड रोड की मदद से। और आपको बता दें कि इधर ही एयरपोर्ट बनना है बेटा में, वो इधर ही बनने वाला है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए, 126 एकड़ जमीन में ये एयरपोर्ट बनना है। यहाँ से जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसका इसी तरफ से, इसी से यहाँ पे सामने आप ब्लू कलर का ये देख रहे हैं, ये आपको यहीं से जा रहा है। यहाँ से एक वाई शेप का निकलेगा एलिवेटेड रोड का, और उसमें जाकर के जैसे जीपीओ गोलंबर में सर्किल है उसी तरह से जहाँ तक लगता है कि वो वहाँ पर बनेगा। लगभग जहाँ पर हम पहुँचे हैं यहाँ से 15 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और बनना है। और देख सकते हैं पूरी तरह से हरा भरा ये क्षेत्र है, और ये पूरा देख सकते हैं पूरा भरा हुआ, और एलिवेटेड रोड बनना है। कहीं कहीं पे रास्ते में जो भी मकान आए हैं उन्हें हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और लोगों को सुविधा मिले इसलिए ऐसा किया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपया खर्च करके इस प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है, वो इसलिए ताकि लोग इस स्मूथली आ जा सकें। ये कहते हैं ना कि लोगों को जितना लाभ दीजिए, जितना सुविधा दीजिए, उतना ही वो आराम पसंद हो जाते हैं। कुछ जगहों पर तो लोग इस तरह से अतिक्रमण कर लिए हैं जगहों पर, चाहे वो छोटे मोटे दुकान के रूप में हो, फुटपाथ के रूप में हो, या फिर किसी और रूप में। एक लेयर नहीं, दुकान तो है ही रोड के किनारे, उसके बाद फुटपाथ है, उसके बाद एक लेयर नहीं, कई लेयर में लोग दुकान लगा रहे हैं। इतना कि मतलब कि जहाँ पर लोगों को आना जाना मुश्किल है, जहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, कहीं भी हो, वहाँ पर जिस लोगों के लिए वो दुकानें लगाए हैं, वो उन्हीं लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है इन दुकानदारों की वजह से। लेकिन करोड़ रुपया खर्च कीजिए, रास्ता बनाइए, मार्ग बनाइए, लेकिन लोग जो हैं वो अपने मनमानी करने से बाज भी नहीं आते। अब ये देखिए, ये बिहटा सरमेरा रोड है, एक अलग नया बाईपास है जो आपको सीधा बिहटा तो पीछे रह गया, यहाँ से आपको दनियामा चल जा सकते हैं, फतुहा जा सकते हैं, और ये आपको क्या बोलते हैं संपत चौक और भी कहाँ आपको ले जाएगा। दनियामा से आप दाहिना मुड़ के बिहार से होते हुए और बिहार से जा सकते हैं, रांची जा सकते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। और ये बिहटा सरमेरा रोड है जो शेरपुर दिघवारा से जो रोड बन के आ रहा है, तो इसी सब अलाइनमेंट में सर्किल में ये आके कनेक्ट होगा, और इसके ऊपर एलिवेटेड रोड है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिस है बिहटा, जो बिहटा सगुना मोड़ रोड का जो बन रहा प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट ऑफिस यहाँ पर है। ये देखते हैं बिहटा सरमेरा रोड के बन जाने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो गाड़ियाँ बाहर से बाहर निकल रही है पटना के, वो निकल जा रही है, या बाहर से बाहर आना है आरा की तरफ, वो हो जा रहा है। यहाँ पर इसका देख सकते हैं प्रोजेक्ट ऑफिस, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट ऑफिस है। अब बड़ा खोज रहे थे हम इसको कि ये डिटेल कैसे मिलेगा, तो ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दानापुर बिहटा कोइलवर एलिवेटेड प्रोजेक्ट का ये आपका पूरा डिटेल है जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सीगॉल इंडिया लिमिटेड इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, 11 मार्च 2024 को अपॉइंटेड है, कंस्ट्रक्शन पीरियड 910 दिन का है, 7 सितंबर 2026 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल, पूरा देख लीजिए। इसको हम खोज रहे थे 23.500 ऑफ बिहटा कोइलवर सेक्शन। एक तरह से देखा जाए तो पश्चिम के तरफ से आने वाले, पटना के पश्चिम के तरफ से आने वाले लोड का पश्चिम में ही निवारण करने की कोशिश है, क्योंकि यहीं पे कनौली में बस स्टैंड भी प्रस्तावित है। यह बिहटा सरमेरा रोड हो गया, यह बिहटा दानापुर रोड हो गया, और इधर से शेरपुर दिघवारा रोड आते हुए आए, मतलब कि उधर से भी आप छपरा जिनके जाना, तो उधर शहर से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जब बड़ी बड़ी गाड़ियां इधर रुकने लगेगी तो छोटी गाड़ियों का जो जाल बनेगा वो मकर जाल हो जाएगा, क्योंकि
छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां तो निकल जाती है, लेकिन छोटी गाड़ियां जैसे तैसे आधा तिरछा टेढ़ा लंगड़ा जैसे मन होता है वैसे वो चलाता है और जिसकी जो जाम का कारण बनता है। और फुटपाथ दुकान तो है ही, अतिक्रमण है ही। बाजारों में लगने वाले जाम से भी छुटकारा मिलेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से घने आबादी वाले क्षेत्र में जाम लग जाता है। अब आपको देखिए यहाँ पे कई पायों का निर्माण हो चुका है, जो कन्हौली बाजार है, पैनाल है, वहाँ पर देख सकते कई पायों का निर्माण हो चुका है। तो जहाँ जहाँ पे इनको जगह मिला है वहाँ वहाँ इन लोगों ने निर्माण तो कर लिया है, और जहाँ जहाँ पे इनको बहुत घना बाजार मिला है तो ये सीधा डाइवर्ट होकर के इधर आ गए हैं, फिर आगे जाके इसी रोड में मिले हैं जो आपको आगे दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्डिंग है PM City, यहाँ पर ये डाइवर्शन आपको दिख रहा है। 12617 पे ये पाया है और उसके बाद मेन रोड पर आ गया है जहाँ पर आपको कई रिग मशीन और क्रेन दिख रहा है और आगे एक पाइलिंग का काम भी हो रहा है। ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जो निर्माण हुआ है और हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि काम इनका पाइलिंग वर्क इनका मेन रोड पर चल रहा है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और उधर रिग मशीन काम कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे गति सीमा भी दिया हुआ है 30 किलोमीटर, और ये रिग मशीन है जो काम कर रहा है। इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, पटना में कई गड्ढे इस तरह की मशीनों ने किया है और यहाँ पर काम चल रहा है, ये तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पे हो गया, अब आगे फिर ये डाइवर्ट हो गया है, मेन रोड को छोड़ दिया है, जो आगे पाया दिख रहा है। तो उस तरफ से आते हुए भीतर की तरफ से आए हैं और इधर पटना दानापुर की तरफ देख सकते हैं उनका, इधर अब मेन रोड को छोड़ करके फिर इधर इनका पाइलिंग वर्क के शुरू हुआ है, ये देख सकते हैं। और आगे पाया भी इनका जो है नीचे फाउंडेशन जो होता है वो हो चुका है और यहाँ पे होना बाकी है। ये देख सकते हैं कई पाए आपके एक सीध में दिखेंगे, फिर ये आगे जा करके आगे फिर ये घूमेगा और घूम करके फिर इसमें आएगा। इसे कटने के बाद ये पाया फिर इधर निकल रहा है जहाँ पर ये देख सकते हैं ये आशीर्वाद का जो यहाँ पे इनका गोडाउन है ये यहाँ पे निकल रहा है। आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है जहाँ पर ये निकल रहा है पाया। तो इस रोड से कनेक्शन नहीं रहेगा इसका, ये इधर बाहर 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 आगे के फिर यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे किलोमीटर देखा जाए तो लगभग ये जो अंदर अंदर गया है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। ये चैलेंज जो यहाँ पर है 10+680 है और हम 12 पे उधर देखे थे, तो ये देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं 10+680 से ये फिर आ जाएगा मेन रोड पर और मेन रोड से फिर आगे बढ़ेगा। वहाँ से थोड़ा आगे आने पे यहाँ पर देख सकते हैं कि चौड़ाई जो है रोड बढ़ाई जा रही है, मिट्टी वगैरह इधर भरा गया है पाएं साइड। इधर भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अभी मिट्टी को समतल और रोड को चौड़ा किया जा रहा है क्योंकि नीचे भी तो सर्विस रोड बनाना ही है उनको, तो ये काम इनका यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोड वर्क यहाँ पे हो रहा है और रोड यहाँ पे बना भी है, ब्लैकटॉप का काम यहाँ पर मशीनें लगी हुई है और ब्लैकटॉप का काम करके रोड की स्ट्रेचिंग की यहाँ पर की जा रही है। और जो रास्ते में मकान आए हैं, दुकान आए हैं, उन्हें चौड़ा भी गया है, इधर की चौड़ाई बढ़ी। एक चीज़ तो है पटना में जैसे जैसे इस टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हैं बने वैसे वैसे प्रॉपर्टी का के जो डीलर हैं वो भी काफ़ी बढ़ जा पड़े, और पटना में ज़मीन का रेट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया ज़मीन अपार्टमेंट फ्लैट का इतना रेट बढ़ गया है कि अब आप आम आदमी के क्या कहते हैं पहुँच से बाहर हो गया। हमें इतना दिन से अपडेट कर रहे हैं लेकिन हम भी आज तक पावर ज़मीन नहीं ले पाए पटना में, इसका जीवन भर अफसोस रहेगा हमको। हम लोगों ने जहाँ जहाँ काम चल रहा है ये सारा लीक किया, लेकिन इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे और अपने कंपनी को प्राथमिकता दिया है, प्रोजेक्ट क्या है उसको लिखा ही नहीं है कि कौन किस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है तो नेचुरली है कि पॉल की भी सेफ्टी होगी और उसके लिए पॉल भी रख दिए गए हैं, और कुछ जगहों पर वो देखिए मकान के पास डबल पॉल दिख रहा है तो उतनी दूरी के पॉल वहाँ पर शिफ्ट होगा। यहाँ पर एकदम इसी सीध में ये जगदीशपुर जगह है और यहाँ पर देख सकते हैं कई मकान जो है जो भी रास्ते में आ रहे थे, यहाँ जरूरत के अनुसार से ये
में ये किया गया है मकान को, ये उस पार्ट जो है उनका तोड़ा गया है। ये कई मकान आपको यहाँ पर, यहाँ से दानापुर तक आपको कई मकान टूटे हुए दिखेंगे, जो बड़े बड़े मकान है, छोटे मकान लोग को खुद ही चोरी हथौड़ी लगा दिए हैं, तो देख सकते हैं। देखिए दोनों साइड जहाँ भी इनको जैसा मिल रहा है वैसा ये लोग काम करते चले, यहाँ पाइलिंग वर्क है, वहाँ पाइलिंग वर्क, जहाँ रोड वर्क है वहाँ रोड वर्क करते हुए ये लोग बढ़ते जा रहे, मतलब समय को बर्बाद नहीं करता। वैसे तो 26 मई इन्हें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है, अब देखते हैं कि ये अपने तय समय पर दे पाते हैं कि नहीं, गुणवत्तापूर्वक दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, नहीं गुणवत्तापूर्वक दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पर देखिए रोड जो फिर यहाँ पर डाइवर्शन ही हुई, आगे फिर यहाँ से ये सीधे नहीं जाएंगे, फिर दाहिना मुड़ेंगे, ये देखिए दाहिना मुड़ करके फिर आगे निकलेंगे, तो कब कहाँ से ये लोग डाइवर्ट कर जाएंगे इसका कोई ये नहीं है, ये देख सकते हैं। लोगों के समझ से पड़े ही रहता है काम, यहाँ पर देखिए ये काम इनका जो पाइलिंग वर्क हो चुका है, पियर कैप पायल कैप बन चुका है, पियर बनना बाकी है और कुछ जगह पर पियर भी बन ये हो गया है, बन गया है। यहाँ पर ये डाइवर्ट हो रहा है, ये जगह है नेवरागंज, यहाँ पे घनी आबादी है, बहुत ही घनी आबादी है, तो इस घनी आबादी को देखते हुए ये लोग दाहिना से निकल रहे हैं। कई पाए आपको दिख रहे होंगे खेत में बने, नेवरागंज को पार करके फिर ये तिरछा निकला है, मतलब कि सी शेप में इनका जो है कई जगह पर डाइवर्शन है, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, और जहाँ पे बहुत जरूरी हुआ है वहीं पे कुछ मकानों को तोड़ना पड़ा है, कुछ उनके हिस्सों को तोड़ना पड़ा है, तो विकास के लिए तो इतना थोड़ा बहुत तो होना ही होता ही है। यहाँ पर देखिए ये पाए इनके यहाँ पर निकल रहे हैं, शिवाला रोड है ये पटना है, और यहाँ पर भी भारत पेट्रोलियम का ही पेट्रोल पंप आगे मिले, जो भारत पेट्रोलियम के पास में ये निकला हो, जहाँ पर जो मिल रहा है उसका वहाँ पर जो भी रिग मशीन चल रहा है, पाइलिंग वर्क चल रहा है, पहले कुछ काम होता हुआ वीडियो भी आपको दिख जाएगा। देखिए और हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे पाइलिंग वर्क चल रहा है, यहाँ पे पाइलिंग वर्क हो रहा है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इधर कई पाए बन करके आए हैं और कुछ पायों का निर्माण यहाँ पे जो पाइलिंग वर्क होता है वो चल रहा है, रिग मशीन यहाँ पे काम कर रहा है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही अपडेट है इस प्रोजेक्ट का, खुद को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ग्रहण जो लगा है, जो अदृश्य शक्ति चैनल को डाउन कर रहा है, उसे आप ही मार दे सकते हैं। बहुत लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया पैसा नहीं लगता है, अगर आप कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, करके देखिए। बड़ा एक दो तीन लोग मिले रास्ते में एक दिन, तो कह रहे हैं कि आप तो वीडियो तो बहुत दिन से देख रहे हैं, मतलब 10 साल से देख रहे हैं, 12 साल से देख रहे हैं, 8 साल से देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा। थोड़ा सा बूस्ट मैं कर रहा हूँ अपने आप को, एक बार फिर से हमने अपने आप को धक्का दिया है, अब सहारा बनना आपका काम है। बाकी रहा इस प्रोजेक्ट का बात, तो इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे और भी चीज़ों का अपडेट देते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब फिर मिले किसी और अपडेट के साथ, मैं कहता हूँ उसका जय भारत जय बिहार जय हिंद। और हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी तबीयत वगैरह ठीक है ना, क्या हाल बना लिए हैं, तो बस बन गया है, बना नहीं लिए हैं, और तबीयत बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, आप लोग के आशीर्वाद से। तो फिर मिलेंगे।